नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पासपोर्ट से रिलेटेड। हालांकि पासपोर्ट से रिलेटेड इतना आपको लगता है कि क्या बात करनी है, पासपोर्ट सबको पता है कैसे बनता है, लेकिन हाँ उसके अंदर की बातें को आपको शायद नहीं पता। वो बातें हम बताएंगे कि पासपोर्ट बनाते हुए हंसना क्यों मना होता है। अब आप सोचोगे यार हंसना मना क्यों हो सकता है, पासपोर्ट बनाने में हंसने में कहाँ दिक्कत आ रही है। जी हाँ, फ़ोटो खिंचवाते समय आपका हेयर स्टाइल, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपका मतलब सब कुछ हम बात करेंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है एयरपोर्ट के ऊपर। जी हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पासपोर्ट हर वो इंसान बनाता है जो विदेश जाना चाहता है या घूमने के लिए जाना चाहता है। इंटरनेशनल आईडी की बात करें तो पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। एयरपोर्ट से वापस निकाला जा सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। जी हाँ, तो भाई डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है भाई यूएस से अमेरिका पर 26/11 को एक हमला हुआ था, 2011 की अगर बात करें तो। और वो कहीं ना कहीं फ्लाइट भी उन्होंने ली एयरपोर्ट पे, वहां पे वो जो टावर था उसमें एक्सीडेंट भी आपको पता है फ्लाइट का करवाया था। उसके बाद में पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा थोड़ी सी सख्ताई ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसमें चेंजिंग भी बहुत ज़्यादा हुए थे। जी हाँ, पहले आपको पता है कि विदेश जाते थे मुंडी लगा के दूसरे का पासपोर्ट यूज ले लेते, अभी काफ़ी टाइम पहले 2010 से पहले की बात करें तो दूसरे के नाम से पासपोर्ट बन जाता, दूसरे के नाम से आईडी लगा देते, बाद में पता लगता बंदा भाग गया, ऐसे कुछ होते थे, आपको सबको पता ही है। 26/11 अमेरिका हमले के बाद में यूरोपीय देशों ने पासपोर्ट की अलग तरीके से प्रोसेस कर दिया, तो उनको देखते देखते सभी देशों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और यूरोपीय देशों में तो भाई बहुत सारे देशों में तो पासपोर्ट में चिप लगा होता है, उसमें पूरा डाटा ऑनलाइन होता है, सबका पासपोर्ट हाथ में लेते ही स्क्रीन पे सामने पूरा डाटा आ जाता है, बंदा कहाँ कहाँ घूम के कैसे कैसे आया, शॉर्ट तरीके से। जी हाँ, पासपोर्ट बनाते समय हंसना मना है। आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तब की बात नहीं है, जब आप अपनी फोटोग्राफी करवाते हैं पासपोर्ट, आपको पता है एक कंप्यूटर के आगे, आपको मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है। कोई भी पासपोर्ट आपने ऐसा देखा है कि उस फोटो में वो हंस रहा हो, ऐसा नहीं होता है। ये पासपोर्ट का एक रूल होता है, वो हंसते हुए अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता। जी हाँ, चश्मा लगा के आप फोटो नहीं खिंचवा सकते, आप सबको पता ही है। हालांकि वो एक अलग चश्मा वो उतरवा लेते हैं, और आगे मैं भी बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे आपको क्या दिक्कत आ सकती है। हेयर स्टाइल आपको अच्छे से रखना, आँखों पर आपके बाल नहीं आने चाहिए। हेयर स्टाइल अगर आपको लगता है कई लंबे बाल रखते हैं, आँखों पर बाल नहीं आने चाहिए, बता दूं मुस्कान आप हंस नहीं सकते। एयरपोर्ट की जो नई गाइडलाइन बनी है उसके अनुसार पासपोर्ट की भी भाई नई गाइडलाइन बन चुकी है। हालांकि ये गाइडलाइन पुरानी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं किसी देश में, फर्स्ट में जो एंट्री होती है वहाँ पे भी कैमरे लगे होते हैं, वो आपको स्कैन कर लेते हैं। जी हाँ, बाद में स्कैन करके आपका चेहरा पूरा, आपकी आंखें, सब कुछ उस स्कैन में स्कैनिंग हो जाती है। फिर जैसे वो पासपोर्ट पे आप काउंटर इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो पासपोर्ट चेक करते हैं, तो देखिए ये सॉफ्टवेयर बने होते हैं, पूरा मैचिंग कर लेते हैं कि हाँ बंदा ये घुसा था वो यही है, पासपोर्ट में भी ये भी एक बहुत सारे एयरपोर्ट पे ये सिस्टम लागू होता है। जी हाँ, मेन बात क्या होती है, बालों की हेयर स्टाइल की। आपने देखा होगा कि कई बार जवानी में लोग पासपोर्ट बनाते हैं, उनके बाल होते हैं, कुछ कोई बीमारी की वजह से, कुछ रिएक्शन की वजह से, कोई भी बॉडी हेड में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके बाल झड़ जाते हैं, एक तरह से गंजा हो जाता है। तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, ऐसा मेरे यहाँ सीकर में भी हो चुका था कि पासपोर्ट में बाल थे बाकी बाद में गंजा हो गया, तो एयरपोर्ट से उसको मलेशिया एयरपोर्ट से दो बार एंट्री की, दोनों बार निकाल दिया, क्योंकि मैचिंग नहीं हो पा रही थी। बाल बंदा जो पासपोर्ट में फोटो है वो बाल है, उसके हेयर स्टाइल दिख रही है, लेकिन जो रियल में है ना एकदम टकला दिख रहा है वो, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका समाधान करिए। फोटो में आपके बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, बाद में आपने कटिंग छोटी करवा ली तो एयरपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। एयरपोर्ट में पासपोर्ट में आपकी ऐनक आपने नहीं लगा रखी है, लेकिन एयरपोर्ट पे आपने ऐनक लगा रखी है, आपकी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सावधानी से बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर आपको दिक्कत नहीं आए। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।